मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पार्ट हमारा टॉपिक चल रहा है पैसिव वॉइस। तीन पार्ट कर चुके हैं, आज लेकर आया हूँ पार्ट फोर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले मैं बात कर लेता हूँ, काफी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर एक साथ इनको करवा दीजिए, अगर इनको मैं एक साथ करवा दूंगा आधा घंटे का एक घंटे का वीडियो अगर बना दूंगा तो एक साथ में फिर आपके समझने में दिक्कत रहेगी, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। इसलिए अगर वन बाय वन करके इनको करेंगे तो आपके समझने में आसानी रहेगी, आप उसको अपने नोटबुक में आसानी से नोट कर सकेंगे। इसलिए मैं इनको पार्ट बाय पार्ट दे रहा हूँ, वन बाय वन करके आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। कोई भी क्लास हो, सिक्स सेवन्थ क्लास से लेकर के ट्वेल्थ तक, और आजकल तो कॉलेज की जो क्लासेज हैं उनमें भी ऐसे आने लग गए हैं, कंपिटिशन जो क्लासेज होती है उनमें भी पैसे वही से आते हैं। बात करते हैं पार्ट फोर की। पार्ट फोर है अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अपने प्रेजेंट की बात चल रही है तो प्रेजेंट का ही कर रहे हैं। प्रेजेंट में लास्ट टेंस जिसका पैसिव वॉइस बनता है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लास्ट इसलिए बोला कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही बनता है, नेक्स्ट जो टेंस आएगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। वो क्यों नहीं बनता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से सेंटेंस आएगा, हैज हैव लगा रहेगा, थर्ड फॉर्म लगी रहेगी, प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। इसमें आपके लिए प्रॉफिटेबल बात ये हो गई कि इसमें ऑटोमेटिकली वर्ब की थर्ड फॉर्म दी भी होती है, तो आपको किसी प्रकार से चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर इस रूप में कोई भी सेंटेंस दे रखा होगा, इस फॉर्म में कोई सेंटेंस होगा, और जब भी आप उसको कन्वर्ट करोगे पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते ही आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट आपको पता है सबसे पहले आता है जो हैव ही रहेगा, और आपको अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा बीन। जैसे आईएनजी वाले सेंटेंस में आप यूज करते थे बीन का, तो हैज हैव में आपको लगाना पड़ेगा बीन, और ये बीन के साथ वर्ब की फॉर्म लगेगी थर्ड, इसके बाद में आपका बाई, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि सेंटेंस में हैज है तो आप हैज लगाएंगे नहीं, आपको यहाँ पे हैज हैव किसके अकॉर्डिंग यूज करना है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है, ना कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल हम करके देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा दे हैव रीड ए लेसन, दे हैव रीड ए लेसन में एक पार्ट पढ़ चुके हैं, आपको पता है सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, हैज हैव आ गया, इट मींस ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? थर्ड फॉर्म हो गई, क्योंकि रीड की फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म में एक जैसी होती है, रीड रेड रीड, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा चेंज है, स्पेलिंग यही है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ आएगा? सबसे आगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ए लेसन, अब यहाँ हैव लगा था क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल था, यहाँ हैव नहीं आएगा, हैव इसलिए नहीं आएगा, तो ऑब्जेक्ट देखिए सिंगुलर है ए लेसन, और सिंगुलर होता है तो क्या आता है? हैज आता है, इसीलिए मैंने कहा था हैज हैव यूज करोगे पैसिव वॉइस बनाते समय तो अकॉर्डिंग टू किसका चलेगा? ऑब्जेक्ट। तो ए लेसन हैज हमें यूज करना पड़ेगा फॉर्मूले के हिसाब से, रूल के हिसाब से बीन, और रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीड, ए लेसन हैज बीन रीड, थर्ड फॉर्म के बाद आता है बाई, और सब्जेक्ट दे कन्वर्ट होएगा आपका देन। अगर ये सेंटेंस आपका नेगेटिव में होता तो सेंटेंस बनता ए लेसन हैज नॉट, नॉट यहाँ आ जाएगा, आपको कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव में। अगर ये होगा इंट्रोगेटिव में तो हैज से सेंटेंस की शुरुआत हो जाएगी और पीछे क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क, हैज क्वेश्चन मार्क, सन सेंटेंस रहेगा। इस प्रकार से जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस है वो बनाए जाते हैं। तो कुछ सेंटेंस मैं आपको देता हूं जो आप क्या करें उनसे प्रैक्टिस कीजिए। आप मेरे साथ साथ जैसे मैं आपको लिखवाता जा रहा हूं वैसे वैसे अपनी नोटबुक में इनको नोट करते रहिए, आपकी नोटबुक तैयार होती रहेगी, प्रैक्टिस होती रहेगी, और आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। यू हैव प्लेड ए मैच, ये आपका पहला सेंटेंस। सेकेंड, हैव दे ईटन फूड विद फ्रेंड्स, इसे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। थर्ड नंबर है आपका दे हैव
gone to Delhi. फोन नंबर है आपका has she washed clothes? इसे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. फाइव नंबर है आपका he has learned a poem. तो ये आपके पांच सेंटेंस हैं. इन पांच सेंटेंस को आप बनाइए पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिए. के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पार्ट फाइव में नेक्स्ट टेंस की किसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है. थैंक यू. जय हिंद. और एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, इसको आप देखिए आगे शेयर कीजिए इसको ताकि घर बैठे बच्चे हैं अपनी तैयारी कर सकें. थैंक यू. जय हिंद.